ये धोखा है, ये सरासर धोखा है। और तुम जैसे लालची इंसान से मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूँ? और तुम जैसे मूर्ख से भी मुझे यही अपेक्षा थी। कलाकार को बुद्धि नहीं होती है गणपत राव? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ने के पश्चात ही उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए? किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ जरूर लेना। जब तक तू मेरी पाई पाई नहीं चुकाता तब तक तू मेरा दास बन के रहेगा गणपत राव। दास मेरे हर आदेश का पालन करेगा तू, फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपने घर बुलाकर गाने के लिए कहूं। हरि ओम। लक्ष्मी, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने? जो तुमने कहा माना है मैंने। जब मैंने तुझसे कहा था कि तुझे शांत रहना है, आवेश में नहीं आना है, तो फिर गुस्सा क्यों किया? और वो भी ये जानते हुए कि पैसा तो सिर्फ पैसा है, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिन भर धूप में घूम घूम कर उपले बेचे और उसके बाद चीखी चिल्लाई, गुस्सा किया, तो इस सब का दुष्परिणाम तो तेरे शरीर को ही भुगतना पड़ा ना। हाँ जबरी, तुम इतनी परेशानी क्यों उठाती हो? मुझे बोल दिया होता कि भानु काका पैसे नहीं दे रहे, मैं दिन भर उनके घर में बैठती और चिट्ठियां सुनाती, वो भी बहुत खराब वाले। वैसे परी, तुम्हारे पास कोई अच्छे वाले चुटकुले भी है क्या? साई, आप तो कहते हैं ना कि अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर झिपरी दीदी को अपना हक पाने के लिए, अपनी मेहनत के पैसों को पाने के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो झिपरी दीदी ने किया। माना कि तुम सही कह रहे हो उद्धव, लेकिन हम सब्र से भी तो काम ले सकते हैं ना। अच्छा तुम ही बताओ, क्या लक्ष्मी का चीखना चिल्लाना गुस्सा करना किसी काम आया? क्या साई, तुम इन बच्चों से क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी बात बड़े बड़ों के समझ में नहीं आती तो इन्हें क्या समझ आएगी? आओ मेरे साथ। उठो, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? वहां से उठो। गांव वाले तुम्हारी धमकियां से डरते होंगे, लेकिन गणपत राव तुम जैसे लोगों की गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाला। अंता, उठ। हरिओम हरिओम। नाटक में राजा बनने से कोई राजा नहीं बन जाता गणपत। राजा तो वो होता है जिसके पास होती है शक्ति। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, जिस क्षण तू मेरे आदेश की अवहेलना करेगा उसी क्षण मैं तुम्हारी नाटक मंडली को नीलाम करवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अवश्य कर सकता हूँ। और सुनो, अभी तक मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। दास बीच में टोकते नहीं है, केवल सुनो। यदि तुमने इस वैधानिक प्रलेख में लिखे नियमों का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें कारावास भिजवा दूंगा, क्योंकि इस पर अंग्रेज सरकार की आधिकारिक मुहर लगाई हुई है। अरे ओ, इस अनुबंध पर तुम्हारे हस्ताक्षर है गणपत। स्मरण रहे, नाटक मंडली तो हाथ से जाएगी ही,
लेकिन साथ ही साथ जिस कला पर तुम उछलते हो ना, वो तुम्हारी कला काल कोठड़ी के पीछे दीवारों में बंद होकर तुम्हारे साथ दम तोड़ देगी, समझे? चलो। साई, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ खड़े होकर तुम सबको चिल्लाना है, जो मन में आए चिल्लाओ, मगर जोर से। पहले मैं चिल्लाऊंगा। अब मेरी बारी। वो आदमी खुद को समझता क्या है? एक दो दिन में ही नाटक की कमाई से उसके पैसे उसके मुंह पे दे मारूंगा। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, चिप्पियां खत्म होने वाली है। अरे जल्दी करो, लगता है आज बहुत भीड़ है। बहुत से लोगों को तो मैं जानती भी नहीं, लगता है आसपास के गांव वाले भी आए हैं। ए सुनो, कुलकर्णी सरकार ने तुम्हें याद किया है। ठीक है, नाटक के बाद आऊंगा। ये मत भूलिए कि अब आप कुलकर्णी सरकार के गुलाम हैं। उन्होंने अब भी याद किया है। शराफत से चलेंगे तो ठीक है, वरना सारे दर्शकों के बीच में से घसीट के लेके जाएंगे। क्यों अंता जी? आप अंता जी चल रहे हैं या घसीटूं? राव साहब, आप कहां जा रहे हैं? नाटक शुरू करने का समय हो गया है। जरूरी काम है, तुरंत आ जाऊंगा। तब तक तुम यहां का संभाल लेना। लक्ष्मी, भानु ने जब तुमसे झूठ बोला, तुम्हें गलत ठहराया, तो उस समय तुम्हारे मन में जो भी भावना आई हो उसे व्यक्त करो चिल्लाकर। और कितनी देर इंतजार करना होगा? मेरा नाटक शुरू होने वाला है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, सरकार का हुकुम है। आज आप बहुत इत्मीनान से और धीरे धीरे खा रहे हैं। कोई आपत्ति है तुम्हें? हा? अरे आनंद ले रहा हूं खाने का। धीरे धीरे खाने से बहुत मजा आता है। डाल दो। क्या देख रही हो? डाल दो।
गोपी भाव, बिंतन भाव कहाँ है? जरूरी काम से बाहर गए, बस आते ही होंगे। ठीक है। तुम्हारे सरकार को आने में देर है, मैं बाद में आऊंगा। आएंगे तब ना, जब यहां से जाएंगे। सरकार का हुकुम है, ना तो ये गुलाम तोड़ सकता है ना ये गुलाम। बड़ा मजा आया ना? हाँ। बैठो। जानते हो बच्चों, ये गूंज हमें जिंदगी के फलसफे के बारे में सिखाती है। हम सब ने महसूस किया कि जिसने जो कुछ भी कहा वो प्रतिध्वनित होकर उसके पास वापस आया। जैसे तुमने कहा गुस्सा, तो गुस्सा शब्द प्रतिध्वनित होता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा। बच्चे हंसे खिलखिलाए, तो इनकी हंसी, इनकी खिलखिलाहट प्रतिध्वनि के रूप में इनके पास वापस आई। जैसे बच्चों ने कहा उद्धव, मल्हारी, परी, तो ये शब्द प्रतिध्वनित होते हुए इनके पास वापस आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में, संसार में जो कुछ भी करते हैं वो घूम फिर कर हमारे पास वापस आता है, हमारे कर्मों का फल बनकर। हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों के मन में हमारे लिए प्रेम हो, तो फिर हमें अपने दिल में लोगों के प्रति उतना ही प्रेम पैदा करना होगा। और ये विचारधारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। मैं समझ गई साई। अपने कर्मों से अपने जीवन में हम अच्छा बुरा जैसा भी निवेश करें, जिंदगी हमें उसका परिणाम अवश्य देती है। वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों पर तो हमारा नियंत्रण है, पर उस कर्म से मिलने वाले फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और कितनी देर है? बोला ना सरकार आते ही होंगे, थोड़ी देर और सबर करो। लेकिन वहां मेरा नाटक रुका हुआ है। तो सरकार भी यहाँ कभी झकना ही मार रहे, वो भी अपने काम में व्यस्त है। हा? नाटक अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। पता नहीं ये कुलकर्णी कब बाहर आएगा। अरे कब से बैठे हैं भाई? अरे पर्दे खुलवाओ। नमस्कार भाइयों और बहनों, नाटक जल्द ही आप सबके सामने शुरू हो जाएगा, अब बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। हम लोग कब से बैठे हैं और अब तक नाटक शुरू नहीं हुआ? क्या इरादा क्या है तुम लोगों का? आज नाटक शुरू होगा भी या नहीं? गणपत, आज नाटक तुम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि चाल तो मैं चल चुका हूं। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं थोड़ा चिंतित हूं अपने पैसों को लेकर गणपत। कब लौटा रहे हो मेरे पैसे? बस इतनी बात थी। तुम्हारे लिए इतनी बात होगी? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप मुझे नाटक खेलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके पैसे वापस कैसे करूंगा?
मैंने कब रोका है तुम्हें नाटक करने से गणपत? कहाँ तुम्हारे राव साहब, बुलाओ उनको। हमें नाटक देखना है। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। 5 कोस दूर चलकर दूर गांव से आए हैं, पैसा समय सब खर्चा किया है ये नाटक देखने के लिए, और तुम लोग हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हो। ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। गणपत राव का काफी नाम सुना था, मगर गणपत राव धोखेबाज है, धूर्त है। आप सब धैर्य रखिए, राव साहब आते ही होंगे। धैर्य धैर्य से नहीं काम नहीं चलेगा, हमें नाटक देखना है। चंपा, क्या हुआ गोपी भाव? चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। पर हुआ क्या? राव साहब अभी तक लौटे नहीं है, वो बाहर नाटक देखने आई जनता अपना आपा खो बैठी है, तोड़ फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। अब मैं क्या करूं? मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साई, हे भगवान, ये लोग तो तोड़फोड़ करने लगे, नुकसान पर उतर आए हैं। अरे हम ऐसे देखते रहे, हमें लोगों को रोकना चाहिए। अरे नहीं, आप रुक जाइए, आप वहां गए तो ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप पीछे रहिए। इतने गुस्से में हैं कि अभी इन्हें कोई शांत नहीं करा सकता। शांत शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया है आप सबको? इतना गुस्सा करना, इस तरीके से चीजों का नुकसान करना, क्या ये अच्छी बात है? बोलिए। हमने नाटक देखने के लिए पैसे खर्च करके चिप्पियां खरीदी और कब से नाटक देखने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है। आप लोगों को मूर्ख बनाकर इन लोगों को क्या मिल जाएगा बताइए? और क्या इससे पहले यहाँ नाटक का कोई प्रदर्शन, कोई खेल नहीं हुआ है? हुआ है ना। और आप लोगों ने भी इतने सारे पैसे केवल इसलिए खर्च किए हैं क्योंकि आपने नाटक के बारे में अच्छा सुना था। आप लोग यहां तारीफ सुनकर आए थे, बल्कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरी बार नाटक देखने आए हैं। बताइए, क्या इससे पहले भी आपके साथ यही हुआ था? बोलिए। नहीं सही, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही, आप कह रहे हैं तो ठीक है सही, लेकिन गणपत राव हमें यहाँ बिठा कर खुद कहीं चले गए, क्या ये सही है? मैं नीम गांव से यहाँ पे आया हूँ नाटक देखने, क्या मेरे समय का कोई मोल नहीं है? तुम हलवाई हो ना? हाँ। अभी पिछले महीने मिठाई के एक सौदे को तुमने अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया था, तो क्या तुम्हारा उद्देश्य अपने ग्राहकों को धोखा देना था? उनसे फरेब करना चाहते थे तुम? जी नहीं साई, पर आपको ये कैसे? वो तो पिछले महीने मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी, उसीलिए मैं उनकी देखभाल में लग गया था, उसी वजह से मैं मिठाई तैयार नहीं कर पाया और इसीलिए मुझे सौदा रद्द करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा तुमने, आपात स्थिति में थे तुम। जो पेशेवर लोग हैं वो ये जानते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, विवश हो जाते हैं हम। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम काम करना ही नहीं चाहते। बोलिए। आज गणपत राव जी यहां उपस्थित नहीं है, हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कोई दुर्घटना हो गई हो उनके साथ। लेकिन ऐसे में सहानुभूति रखने के बजाय, चिंतित होने के बजाय, आप लोग इन बेचारों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। देखिए कितना नुकसान किया है आपने, क्या यह ठीक है? सोचिए, आप में से कोई भी व्यक्ति
जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अर्थात अपने मालिक के लिए कार्य करता है, या जिसका खुद का रोजगार है वो अपने ग्राहकों का दिया हुआ कार्य उसके निश्चित समय में पूरा ना कर पाए, और वो मालिक वो ग्राहक आपके साथ यही व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, बताइए। हमें क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए? क्षमा कीजिए, गलती हो गई। चलो भाई। सब लौट रहे हैं, मतलब आज का खेल नहीं हो पाएगा। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं। क्या बात है गणपत राव जी, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? ये ढोंग मत कीजिए कि आप मेरी मदद कर सकते हैं या फिर सबकी समस्या का हल कर सकते हैं। अरे कौन सी हस्ती है आप, ऐसी क्या खूबी है आप में जो ये जताते फिरते रहते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं? अगर ऐसी क्षमता ऐसी शक्ति आप में होती ना तो पहले अपने खुद के हाल सुधार लिए होते, खुद तो दर दर जाके भिक्षा मांगते फिरते हो। बढ़िया है गणपत राव की मदद करने वाले। मटका अभी भी कच्चा है। सरकार, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, गणपत राव ने सबके पैसे लौटाए और बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग। अब समझ में आएगा उस गणपत को कुलकर्णी सरकार को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। आज से तुम दोनों का एक ही काम, नाटक आरंभ होने से पहले उस गणपत को बुलाकर मेरे पास लाओगे तुम दोनों। देखता हूं कैसे करता है नाटक। लगता है इस जन्म में मेरे पैसे लौटा नहीं पाएगा वो। रुक क्यों गया तबा? लेकिन सरकार, ऐसे तो आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। हट। पैसे तो कभी भी वसूले जा सकते हैं अंता, लेकिन मैं गणपत को उसके घुटनों पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पैरों में गिरे, अपनी नाक रगड़े। उसने मेरा अपमान करके बड़ी भूल कर दी है, अब मैं उसे अपमान के घोट पिलाऊंगा, और ये मैं जब तक नहीं करता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हरिओम। एक तो तब से रोई जा रहे और अब ऊपर से दूध भी नहीं पी रहा। लाओ, मैं देखता हूं। आप लोग अपनी परेशानी इनसे कह सकते हैं, ये साई है साई, ये सबकी मदद करते हैं, आप लोगों की भी जरूर करेंगे। आ,
कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? साई, हमारा बिट्टू कब से रोए जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह है कि इसके पैदा होने के बाद हम पहली बार इसे लेके हमारे गांव से बाहर निकले हैं। इसकी मौसी से मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन जब से हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तब से ही रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मुझे लगता है कि इसे यात्रा रास नहीं आई है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसे चुप करा है। आप लोग कुछ देर के लिए यहाँ यहाँ द्वारका माई में ही क्यों नहीं रुक जाते? आइए। जी साई, हम अभी आते हैं। साई, कितनी सहजता से इन लोगों ने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हो गए। और एक वो है गणपत राव। अब क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या नाम है तुम्हारा वो? हाँ, गणपत। अरे गणपत, ये मेरा भांजा है। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, औषधि दे दी है मैंने इसको, लेकिन आराम करेगा तभी तो स्वास्थ्य पाएगा कि नहीं। और बात ये है ना कि ये बहुत चंचल है, सो ही नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कलाकार हूं, वैद्य नहीं। आहा, वैद्य तो तुम बन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम तो बहुत आलसी हो। जिस लेखा पत्र पे तुमने हस्ताक्षर किए उसे ढंग से पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया तुमने। और सबसे महत्वपूर्ण, तू मेरा दास है, दास। और सुनो रुक्मिणी, ये दास बहुत अच्छा गाता है। अरे वो राग मलार गा के बारिश करवा दी इसने, तो इस बच्चे के लिए लोरी गाकर इसे सुलाना तो इसके बाएं हाथ का खेल है, है कि नहीं? चल गा, लोरी गा लोरी। बेटे शांत हो जाओ। बेटे क्यों रो रहा है? कितना रोएगा? शांत हो जा। साईं, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? का आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप साईं के पास हैं। अगर आपके बिट्टू की तबीयत खराब भी होगी तो साई से ठीक कर देंगे। लाई, बच्चा मुझे दीजिए। आप गणपत राव से लोरी गवाएंगे? दास अगर बलशाली हो तो उससे परिश्रम करवा सकता हूं मैं, लेकिन तू तो परिश्रम करने के योग्य भी नहीं है। केवल गा सकता है तू, तो गा लोरी गा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गणपत राव सिर्फ रंगमंच पे गाता है। ये सब गणपत राव को ऋण लेने से पहले सोचना चाहिए था। अहो, रहने दीजिए, मैं सुला दूंगी इसे। तुम चुप बैठो। गणपत,
अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां लावनी करने के लिए भी कह सकता हूं और तुम्हें करनी होगी। तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें केवल लोरी गाने के लिए कह रहा हूं। गाओ लोरी गाओ। मैं खूब समझता हूं आपकी ये साजिश। आप जानबूझकर मुझे यहाँ नाटक का खेल शुरू होने से पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि मैं नाटक ना कर पाऊं और आपकी गुलामी से मुक्त कभी ना हो पाऊं। गणपत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो अनुबंध में स्पष्ट ना हो। अगर ये लोग ऐसे ही शोर करते रहे तो गोविंद कैसे सो पाएगा? अरे गाओ। मामी जी, बांसुरी की धुन कितनी मीठी होती है ना, ऐसा लगता है कि कोई लोरी सुना रहा हो। बांसुरी की धुन? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो सुनाई दे रही है, क्या आप सुन नहीं पा रही है? मामी जी, बांसुरी की धुन सुनकर मुझे नींद आ रही है। मेरा आदेश है, गाओ। अहो, गोविंदा तो सो गया। हरिओम हरिओम। ऐसे कैसे ये अचानक से सो गया? वैसे तो पूरा दिन उधम मचाता रहता है, आज ही नींद आनी थी इसे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया साईं। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं जाऊं? दो घंटे के लिए। केवल दो घंटे के लिए? मेरे मित्र आने वाले हैं भोजन पर, मैं चाहता हूं कि तू उनका मनोरंजन कर।
एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया है, नाटक का एक खेल भी नहीं हो पाया है। शोज ठीक नाटक शुरू होने से पहले अंता जी पंता जी आ जाते हैं भाव को बुलाने कि चलो सरकार बुला रहे हैं। बचपन में लोगों से मैंने सुना है कि सरकार अच्छे आदमी नहीं है, अब समझ आया कि लोग सच कह रहे थे। पता नहीं सरकार को क्या मिलता है दूसरों को परेशान करके, उन्हें दुख पहुंचा के। ऐसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब चंपा को ये पता चलेगा कि गणपत राव को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है, तब चंपा पर क्या बीतेगी? क्या हुआ चंपा के बाबू? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ आपको चंपा? क्या हुआ तुम्हारे बाबू को? आई आई हिम्मत रखो, बाबा तो साई के पास ले चलते हैं। बाबा क्या हुआ? रविदास को यहां लाने के लिए शुक्रिया। ये अभी थोड़ी देर यहीं रहेंगे, इन्हें शांति की जरूरत है। जरूरी काकी, शांत हो जाइए, अब आप मत रोइए। देखना काका पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, साई है ना? कहां दर्द है रविदास? सीने में। साई, साई, बाबा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं ना? तुम्हारे बाबा की बीमारी बड़ी या गंभीर नहीं, पर हां इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हारे बाबा की बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक है। इन्होंने अपने मन में बहुत सारे रहस्य छिपा रखे हैं और वही राज इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। इसका इलाज मेरे पास नहीं चंपा, खुद इनके पास है। अगर तुम अपना झूठ अपने गुनाह सबके सामने कबूल कर लेते हो तो खुद को हल्का पाओगे। तुम तुम्हारे पाप तुम्हारे गुनाह तुम्हें अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं, और जब तक तुम उन्हें खुद नहीं बताओगे वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाते रहेंगे। सब मेरी गलती है साई, मैंने ये सब करने के लिए इन्हें विवश किया था। ये आप सब क्या कह रहे हैं? साई मैं मजबूर था, साई सरकार ने हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया था, सरकार ने हमें धमकी दी थी साई कि हमें वो सिरडी से निकाल देंगे। मुझे अपने परिवार की चिंता थी, मुझे अपनी बेटी की चिंता थी साई। चंपा की रक्षा करने के प्रयास में मैंने उसे चोट पहुंचाई साई। Ah!
किया? बाबा आपने क्या किया है बताइए ना। अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके कैसे भी करके करना होगा और तुम्हें ही करना होगा, और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने वचन दिया था मुझे कि तू उस गणपत राव का खेल खराब करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अगर तुम लोग रास्ते पे नहीं आना चाहते हो तो उस गणपत राव को रास्ते पे लेके आओ। इतने घटिया किस्म के कपड़े और जेवर दिए हैं आपने कि उसे पहनकर इसके सारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। अपने देवता जैसे इंसान के साथ भाव के साथ विश्वासघात किया। बाबा इस गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमें अपने बराबरी का दर्जा दिया। हम नीच जात के लोग हैं, लेकिन भाव ने मुझे हमेशा कहा कि मैं किसी रानी से कम नहीं हूं, और उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया। आज पूरा गांव मेरी तारीफ करता है। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, केवल हमारे सिर पर छत नहीं होती। ऐसे हर चीज के लिए हम गांव वालों से मदद मांगते हैं ना, तो क्या मुसीबत के समय गांव वाले हमारी मदद नहीं करते? अरे गांव वालों की छोड़िए, हम साईं से मदद मांग लेते, हम यहाँ द्वारका माई में रह लेते। लेकिन ऐसा कब तक? आई भाव ने हमें अपने शिविर में रहने के लिए जगह दी थी ना, क्या होता हमारे पास घर नहीं होता तो? अरे हम नाटक मंडली के साथ यात्रा कर लेते, जहां जहां नाटक जाता वहां वहां हम जाते, और पैसे बचाकर हम अपने लिए घर खरीद लेते। आई बाबा हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन आपने गलत विकल्प चुना, आपने गलत निर्णय लिया, जिसने हम पर इतना भरोसा किया आपने उसके साथ धोखा किया। चंपा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ चंपा, शांत हो जाओ। राया माफी बताइए, अपने आई बाबा की गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। दुर्भाग्य से हम अपने कहे हुए शब्दों को और किए हुए कार्यों को कभी वापस नहीं लौटा सकते, इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। जो भी आप लोगों ने किया है उसे वापस तो नहीं लौटा सकते आप, लेकिन सच स्वीकार कर सकते हैं, उसे सच बता सकते हैं, क्योंकि उसे सच से रूबरू कराने की सख्त जरूरत है।